मैं ईद पर सिंपल नहीं रहती। वो ईदें जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ईदें मैंने मनाई नहीं है, मनाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने यार के साथ, क्योंकि मेरा यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, सहर हयात ने रिसेंटली TBH किया और TBH में अली भट्ट, उमर भट्ट, जन्नत मिर्ज़ा, अलिशा अंजुम, अफ़ान मलिक और अरिका हक और उनकी बेस्ट फ्रेंड जवेरिया के बारे में क्या बताया। TBH में उन्होंने अली भट्ट के बारे में बताया और अपने बारे में भी काफ़ी कुछ बताया कि वो सैड क्यों है और वो क्यों इस तरह से सैड रहती हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो देखनी है। और सहर हयात ने साथ में ये भी बताया कि वो टिकटॉक पर वीडियोस क्यों नहीं बना रही और कब तक वो एक्टिव हो जाएंगे टिकटॉक पर। सहर हयात ने TBH किया कि पुरानी वाली सहर और न्यू वाली सहर में क्या फ़र्क है, तो उनके एक फ़ैन ने जवाब दिया, पुरानी सहर बहुत नोटी थी और अब वाली बहुत बहुत मैच्योर है। तो अब दिखाते हैं कि सहर हयात ने इसका क्या रिप्लाई किया। क्योंकि वक्त सब सिखा देता है। समझदार हुए तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, सहर हयात ने बोला कि वक्त और हालात सब कुछ सिखा देता है, मैं कितनी समझदार हो गई हूँ। तो उनसे दूसरा सवाल किया गया, पुरानी सहर अली के साथ नज़र आती थी और न्यू सहर जवेरिया के साथ नज़र आती है। हाँ तो जवेरिया के साथ रहूँगी ना अब, क्योंकि और किसी के साथ तो मैं नहीं आ सकती ना नज़र। तो सहर हयात से थर्ड क्वेश्चन किया गया अली भट्ट के बारे में कि TBH अली भट्ट, तो अली भट्ट के बारे में क्या बोला सहर हयात ने, वो हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ने खुश रखे हमेशा। अली भट्ट के बारे में सहर हयात ने बोला कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे। तो अब हम आपको दिखाते हैं सहर हयात ने जन्नत मिर्ज़ा और उसके बाद उमर भट्ट और जन्नत मिर्ज़ा के रिलेशन के बारे में क्या बोला कि वो दोनों साथ में कैसे लगते हैं। वैसे तो ये बंदी मेरी जान है लेकिन बेवफा है, बहुत बड़ी गोली है बेटा, मसला नहीं है यार, देखना मिलने नहीं आती है। इसके बाद सहर हयात से पूछा गया, प्लीज़ TBH जन्नत एंड उमर बिटवीन बोथ आर क्यूट एंड नॉटी माशाल्लाह। सहर हयात ने इस पर जवाब दिया कि वे दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं और मेरी दुआ है कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए, आमीन। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह इनको हमेशा खुश रखे, बुरी नज़रों से बचाए और कोई तीसरा इनके बीच में ना आए, अल्लाह इनको हमेशा साथ रखे। तो अब आपको दिखाते हैं अलिशा अंजुम और अफ़ान मलिक के बारे में सहर हयात ने क्या बोला और जिस पर हंसते हुए अफ़ान मलिक ने क्या रिप्लाई किया। अलिशबा बहुत नॉटी है और अफान भाई भी हैं लेकिन थोड़े से सीरियस टाइप हैं, लेकिन दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह इन दोनों को भी हमेशा खुश रखे। तो अलिशबा और अफ़ान के बारे में बोला कि दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं, अलिशबा बहुत नॉटी है जबकि अफ़ान मलिक बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। तो इस पर अफ़ान मलिक ने रिप्लाई किया कि नहीं यार, मैं सीरियस नहीं हूँ। अरिका बहुत क्यूट है और बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और इस तरह अरिका हक के बारे में बोला कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत प्यारी है माशाल्लाह, और इन दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो और ये काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन चुकी हैं अरिका हक और सहर हयात। तो सहर हयात के बाद एक सवाल आया कि पुरानी सहर हमें इंटरटेन करती थी, न्यू वीडियोस अपलोड करती थी, रोज़ वीडियो अपलोड करती थी ताकि हम खुश रहें। तो इस पर सहर हयात ने क्या जवाब दिया, तो वो हम आपको दिखाते हैं और ये भी बताया कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगी। अच्छा सॉरी, मैं जल्दी वापस आऊँगी, बस मुझे दुआ में याद रखें। तो सहर हयात ने बोला कि वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगी, उन्हें दुआओं में याद रखा जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आप सहर हयात को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं और अली और सहर का कपल आपको कैसा लगता है, क्या इन दोनों को वापस से पैचअप कर लेना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।